Hello everyone, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good and well motivated to prepare for your dream job, that is RBI Grade B exam. I am Gulabsa, your mentor, and I welcome you once again to another session of RBI 247, whereby on an alternative basis, we try to discuss important finance related current affairs. So in today's class as well, we will be talking about the rules that RBI has issued for digital lending. So recently, agar aap newspapers padh rahe honge, then you must be aware that RBI ne kuch norms, regulatory framework issue kiye hain for the commercial banks, for the regulated entities in respect of digital lending. Digital lending kya hota hai? As you all know, digital lending ka matlab hota hai that there are certain companies, maybe they are banks, commercial banks ho sakte hain. They can be fintech companies or even some apps such as Paytm ho gaya hamara, Amazon Pay ho gaya. So, in sare apps ne kya kiya hai? Online basis pe with lesser restrictions and with lesser norms to be followed, they are providing you with the loans. Aur wo bhi बहुत कम समय में अगर आप बैंक्स के थ्रू जाते हो फिजिकली लोन लेने देन देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ प्रोसेस व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड बट इन केस ऑफ डिजिटल लेंडिंग दिस एंटायर प्रोसेस हैज बीन सिंप्लीफाइड इट इन्वॉल्व्स लेस टाइम एंड इट इज कॉस्ट एफिशिएंट तो बट ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई को रूल्स लाने पड़े सो दैट इट कैन टाइटन द डिजिटल लेंडिंग तो आपको पता होगा कि आरबीआई इज द वन हु इज स्टैट्यूटरली मैंडेटेड बाय द लॉ टू सी द क्रेडिट क्रिएशन और द क्रेडिट इंटरमीडिएशन इन द कंट्री तो इंडिया में जितने भी क्रेडिट क्रिएशन होता है वो आरबीआई ही देखता है कैसे देखता है क्रेडिट क्रिएशन हमारे बैंक्स के थ्रू होते हैं उसको रेगुलेट करता है आरबीआई ठीक है उसके अलावा आरबीआई ऑल्सो वॉन्टेड कि कुछ और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हो और ज्यादा बेनिफिट्स मिले कस्टमर्स को इसलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम यू मस्ट बी अवेयर कि आरबीआई बहुत सारे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लाता है और सारे इनोवेशंस करता है सो दैट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कुड बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर द कस्टमर्स फॉर द डिपॉजिटर्स सो दैट दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट बट एट द सेम टाइम ये भी देखा गया है दैट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ इट प्रॉब्लम्स कैसे प्रॉब्लम्स सच एज ये जो डिजिटल लेंडर्स हैं दे आर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई रेट्स चार्ज करने लग रहे हैं ऑल्सो दे आर मिस सेलिंग बाय द थर्ड पार्टीज कई बार ऐसा देखा गया है सपोज करो फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड कार्ड्स हो गए तो दे आर द फिनटेक कंपनीज उनके खुद का कोई बैकिंग नहीं है दे आर जस्ट in a tie-up relation with some other banks और फिर वो अपने terms and conditions पे customers को loan provide कर रहे हैं so ये देखा गया है कि mis-selling के भी concepts देखे गए हैं fraud देखा गया है उसके अलावा ये भी देखा गया है at the time of recovery अगर कोई customer pay नहीं कर पा रहा है तो काफी strict policies utilize किए जाते हैं इन digital lenders के through तो इन सब प्रॉब्लम्स को कंटेन करने के लिए कम करने के लिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस ऑल दिस प्रॉब्लम्स आरबीआई ने सोचा कि मैं कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिफाइन कर देता हूँ कि कौन डिजिटल लेंडिंग कर सकता है हु ऑल आर एक्चुअली अलाउड बाय आरबीआई टू कंडक्ट डिजिटल लेंडिंग टू प्रोवाइड लोन्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड व्हाट ऑल फैक्टर्स is required for these digital lenders to keep in mind while providing these loans. ठीक है? So let's move forward. So देख लेते हैं news में क्या है. So recently RBI ने एक regulatory framework issue किया है that talks about the delivery of credit in the ecosystem. अब ऐसा क्यों गया गया है? RBI देखो दो चीजें हैं. First RBI digital lending को regulate करना चाहता है because it has seen that there are certain regulatory concerns जो मैंने आपके साथ discuss किया mis selling exorbitant rates of interest that are being charged harsher policies at the time of recovery so all of these regulatory concerns has compelled RBI to come up with this tightening rules उसके अलावा RBI also wants कि जो credit growth है India में it happens but in an orderly manner ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है और इसका कोई
हिसाब नहीं है. सो आरबीआई वॉन्ट्स टू हैव अ ट्रैक ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन दैट आर बींग डन एंड मीन वाइल नन ऑफ द कस्टमर्स नन ऑफ द डिपॉजिटर्स आर हर्ड और देयर कॉन्फिडेंस इन द एंटायर कंसेप्ट ऑफ डिजिटल लेंडिंग इज मिनिमाइज्ड और कर्टेल्ड. ठीक है, अब इसकी ओरिजिन कहाँ से आई, टाइटनिंग की ओरिजिन कहाँ से आई. सो इन द ईयर 2021 आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था डिजिटल लेंडिंग पे, नोन एज डिजिटल लेंडिंग इंक्लूडिंग लेंडिंग थ्रू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल एप्स. सो इस वर्किंग ग्रुप ने, इस वर्किंग कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस ले डाउन किए थे दैट वर required to be followed by the regulated entities. What, who are regulated entities? Entities such as the commercial banks, your regional rural banks, then your payments banks, scheduled commercial banks, then we have the other type of small finance banks. So all of these banks that are regulated by RBI are known as regulated entities. Iske alawa all India financial institutions, kuch kuch entities hain jo regulate kiye jate hain RBI se, they are known as रेगुलेटेड एंटिटीज. तो उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क, कुछ रिकमेंडेशन ले डाउन किए थे. आरबीआई ने उनके रिकमेंडेशन को अब अडॉप्ट किया है बाय कमिंग अप विद दिस टाइटनिंग रूल्स. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया. अब ये रूल्स हैं, ये किन के लिए एप्लीकेबल हैं. सो ये जो रूल्स हैं, दिस विल बी एप्लीकेबल बेसिकली ऑन दोज एंटिटीज दैट आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई. मैंने पहले ही आपको बता दिया, जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो ये लॉ को फॉलो करेंगे और जो भी रिकमेंडेशंस हैं, इट कैन बी परमिटेड, इट कैन बी फॉलोड बाय दोज एंटिटीज एज वेल जो आरबीआई के अंदर तो रेगुलेटेड नहीं है बट दे आर रेगुलेटेड अंडर सम अदर लॉ. तो कुछ कोई और स्टैट्यूटरी लॉ होगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनीज एक्ट हो गई, अगर उस लॉ के अंदर कोई एंटिटी रेगुलेटेड है देन दे दोज इंस्टीट्यूशन दोज कंपनीज कैन ऑल्सो गो फॉर दिस डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल लेंडर्स. सो आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग को बेसिकली तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है. द फर्स्ट इज द वंस दोज लेंडर्स दोज एंटिटीज हु आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड एट द सेम टाइम परमिटेड to undertake the digital lending business. इसमें आपके आ जाएंगे scheduled commercial banks. Second आ जाते हैं those entities, those are not regulated by RBI. इस case में क्या था? They are regulated by RBI. But इस case में they are not regulated by RBI, but they are allowed to undertake the digital banking, digital lending processes under some other law. तो और भी कोई स्टेचुटरी लॉ है जिसके अंदर दे आर ऑथराइज्ड कि वो लेंडिंग प्रोसेस को अंडरटेक कर सकते हैं. नाउ कम्स द थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी में वो आते हैं दोज दैट आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई प्लस दे आर नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द स्टेचुटरी और द रेगुलेटरी प्रोविजंस. तो जितने भी और लॉज हैं उसके अंदर ये कवर्ड ही नहीं है, वो आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिजिटल लेंडर्स. तो जो रिस्क कंसर्न्स देखा गया है वो बेसिकली इस वाले में ज्यादा देखा गया है, क्योंकि ना वो आरबीआई से रेगुलेटेड है, ना कोई दूसरी एजेंसी या सेक्टर उनको रेगुलेट कर रहा है, ना कोई स्टैट्यूटरी लॉ उनको रेगुलेट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नॉर्म्स दैट आरबीआई हैज रिलीज्ड फॉर डिजिटल लेंडिंग. सो जो लोन्स, जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आरबीआई ने रिलीज किया है, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस फर्स्ट कैटेगरी दैट इज द रेगुलेटेड एंटिटीज. अब आरबीआई ने कहा है कि जितना भी डिजिटल इकोसिस्टम है, लेंडिंग, डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम है, इट विल बी एप्लीकेबल टू द रेगुलेटेड एंटिटीज as well as the LSPs. Now, what are these LSPs? LSP stands for Lending Service Providers. तो ये एक तरीके से एजेंट की तरह काम करते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज की and they undertake all the processes of customer acquisition, customer को acquire करना, उनको approach करना. Then we have providing the credit facility, solving any of the consumer complaints regarding digital lending. So all of these features, all of these services are provided by the lending service providers. And why are they providing the services? Because they get a fee from these commercial banks or the regulated entities. So jo bhi lending laws aaye hain, lending rules aaye hain, it is applicable to regulated entities and their
लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। उसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट द अदर कैटेगरी। हमने कैटेगरी वन के बारे में डिस्कस कर लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटेगरी टू। सो कैटेगरी टू में वो आ जाते हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, वो किसी लॉ के अंदर डिफाइंड होते हैं, दे टेक एंड अंडरटेक द डिजिटल बिजनेस। इन दैट केस द वर्किंग ग्रुप जो 2021 में फॉर्म हुआ था, उन्होंने बोला दैट सच रेगुलेटर्स और सच अथॉरिटी जिनके अंदर ऐसे कमर्शियल ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऐसे एंटिटीज आते हैं कैन कंसिडर फॉर्मुलेटिंग सच रेगुलेशंस ऑन डिजिटल लेंडिंग। तो जितने भी उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया है, वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग ने रिकमेंडेशंस दिया है, दीज अदर रेगुलेटर्स कैन टेक आइडिया फ्रॉम दैट, फ्रॉम दोज रिकमेंडेशंस एंड फॉर्मुलेट एंटायर डिफरेंट रूल्स दैट आर मोर अप्रोप्रिएट टू दोज लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस दैट फंक्शन अंडर देयर एम्बिट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी, दोज दैट आर नॉट ईदर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो उनको ना आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, सो दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है, आरबीआई उनको रेगुलेट नहीं कर रहा है। सेकेंडली दे आर नॉट इवन कवर्ड अंडर एनी ऑफ द लॉ, किसी लॉ के अंदर भी वो नहीं आ रहे हैं। सो इन दैट केस जो वर्किंग ग्रुप है डिजिटल लेंडिंग की, उन्होंने ये रेकमेंड किया है दैट इन दैट केस द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वही बचा फिर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कम अप विद सर्टेन इंटरवेंशंस, ऐसे डिजिटल लेंडर्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, उनको कैटेगराइज करके एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कैटेगरी बना के उनको कैटेगराइज करो एंड देन फॉर्मुलेट सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर दोज एंटिटीज, सो दैट जो हमारे यहाँ माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं डिजिटल लेंडिंग में वो डिक्रीज कर दिया जा सके, ठीक है। So this was about the applicability. Now let's talk about the mandatory requirements that the regulated entities and the lending service providers are required to follow. तो हमने बात किया कि जो भी regulations अभी RBI ने निकाला है वो बस regulated entities और lending service providers के लिए हैं, जो regulated entities खुद appoint करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करता है loan disbursement और repayment की। तो इसका ये मतलब है जब भी कोई रेगुलेटेड एंटिटी लोन देता है किसी कस्टमर को या कस्टमर रीपे करता है बाद में, व्हेन द कस्टमर पेज बैक द लोन्स टू दीज रेगुलेटेड एंटिटीज, तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो उस रेगुलेटेड एंटिटी और बोरोवर के बीच में ही होना चाहिए। दिस LSP शुड नॉट कम इन बिटवीन। इसका ये मतलब है दैट इट शुड नॉट बी पास थ्रू दिस लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, rather it should be executed between the regulated entities and the borrower, jinhone loan provide kiya, jinko loan mila wo dono hi execute karenge, koi teesre ke through isko aap pass through nahi kar sakte. So this is the first requirement, mandatory requirement to be followed. Second, it talks about any type of fees or charges that are charged from the theek hai। जैसे जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं LSPs हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग यू विद द कस्टमर्स एंड ऑल दोस फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड रिजॉल्विंग एनी काइंड ऑफ ग्रीवेंसेस। सो ऑल ऑफ द सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, दे आस्क फॉर सर्टेन फीस, सर्टेन कमीशन, सर्टेन चार्जेस। सो दीज चार्जेस नीड टू बी पेड बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज एंड नॉट द बोरोअर। तो ये जितने भी चार्जेस हैं LSPs के वो बोरोअर पे नहीं करेगा, इट विल बी पेड डायरेक्टली बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज। सो दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट। द थर्ड टॉक्स अबाउट द परसेंटेज रेट, ठीक है, एनुअल परसेंटेज रेट। सो एनुअल परसेंटेज रेट क्या होता है? सो एनुअल परसेंटेज रेट बेसिकली एक रेट कैलकुलेट किया जाता है ऑन एन एनुअल बेसिस दैट टॉक्स अबाउट व्हाट ऑल कॉस्ट आर इंक्लूडेड and what all costs are charged to the borrower while providing the digital loans. तो digital loans का एक बहुत major drawback ये होता है कि जो digital loans होते हैं उसमें आपको actually पता नहीं चलता कि कितना interest charge किया जा रहा है,
किस किस चीज के लिए चार्ज किया जा रहा है। तो आरबीआई ने यही रूल निकाला है कि ये जो डिजिटल बैंक्स, जो डिजिटल लेंडिंग हो रही है बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज, दे आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू लिस्ट डाउन ऑल द इंक्लूसिव कॉस्ट ऑफ डिजिटल लेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ एनुअल परसेंटेज रेट, कि जो जो भी उनके डिजिटल लोन की कॉस्टिंग है, सच एज कमीशन चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फर्स्ट, सेकेंडली दे विल बी चार्जिंग फॉर द कन्वीनियंस दैट दे आर प्रोवाइडिंग, थर्ड दे विल बी चार्जिंग फॉर प्रोसेसिंग फीस, अगर वो प्रोसेस कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को उसके चार्जेस को, सो जितने भी चार्जेस हैं ए टू जेड सारे चार्जेस को आप कैलकुलेट करोगे, एक एनुअल परसेंटेज निकालोगे, एंड दैट एनुअल परसेंटेज यू नीड टू टेल टू दी बोरोवर, बोरोवर को आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, यू नीड टू डिस्क्लोज ऑल द कॉस्ट इंक्लूसिव चार्जेस टू दी बोरोवर्स। नाउ द फोर्थ टॉक अबाउट द ऑटोमेटिक क्रेडिट लिमिट एक्सपेंशन, तो आपने देखा होगा, स्पेशली मैंने ये चीज नोटिस करी थी, सो आई यूज दिस अमेजन पे लेटर फीचर, सो इनिशियली माई लिमिट वॉज 5,000, बट सिंस आई एम यूजिंग इट फॉर शॉपिंग एंड अदर थिंग्स, माई लिमिट वॉज इंक्रीज टू 10,000, एंड रिसेंटली दे हैव इंक्रीज इट टू 25,000। तो आरबीआई का ये मैंडेट है कि अगर कोई डिजिटल लेंडर आपका क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर रहा है, सो सच इंक्रीज इन द क्रेडिट लिमिट should happen only after the explicit consumer consent. जब तक consumer consent नहीं दे रहा है तब तक आप उस credit limit को increase नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने इसको over इस loophole को देखो इन्होंने कैसे अपने advantage के लिए use किया। So these Amazon pay later guys, इन्होंने मेरे को message किया, they provided me with a message that your limit has been increased from 10,000 to 25,000 and if you want to opt out of it then you need to message to us. तो कई बार ऐसा होता होगा कि हम message करना भूल जाएंगे और time frame दिया हुआ, if I am not messaging within that time frame तो जो मुझे limit मिली है 25,000 की वो 10,000 से मेरी limit 25,000 तक increase कर दी जाएगी. So the onus has now been put on the consumers. जबकि आरबीआई ये कह रहा है कि एक्सप्लिसिट कंसेंट आपको कंज्यूमर्स की लेने पड़ेंगी, अदरवाइज एनी इंक्रीज इन द क्रेडिट लिमिट इज प्रोहिबिटेड। नाउ द अदर रिक्वायरमेंट्स दैट दिस रेगुलेशन टॉक्स अबाउट इज दैट ऑल द डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट्स जो एक्सटेंड किए जाते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा, दैट शुड बी रिपोर्टेड टू द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सो दीज आर द क्रेडिट ब्यूरोज, जैसे सिबिल हो गया, इक्विफैक्स हो गया, सो दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड अस विद द क्रेडिट स्कोर बाय एनालाइजिंग ऑल द ट्रांजेक्शन दैट वी हैव डन स्पेसिफिकली इन द लोन सेगमेंट, डिपॉजिट सेगमेंट, पैसा कहाँ से आ रहा है, हम किसको भेज रहे हैं, व्हाट इज द ओवरऑल बैलेंस इन आर अकाउंट, सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज डेटा को हमारा क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो आरबीआई ने मैंडेट किया है कि जितने भी लेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, बी इट न्यू बी इट ओल्ड, या जब भी आप कोई लेंडिंग प्रोडक्ट्स एग्जीक्यूट करते हो, एट दैट टाइम यू नीड टू रिपोर्ट दिस फर्स्ट टू द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कंपनीज, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग विद अ की फैक्ट स्टेटमेंट, तो जैसे स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है फॉर म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग, उस स्कीम के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं दे आर प्रोवाइडेड एट वन प्लेस, राइट। वैसा ही आरबीआई कह रहा है कि की फैक्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे इन रेगुलेटेड एंटिटीज को, जहाँ पे दे विल प्रोवाइड विथ ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल ऑफ द लोन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लोन कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी कोई बंदा लोन लेगा उस रेगुलेटेड एंटिटी से, दैट रेगुलेटेड एंटिटी बिफोर गिविंग और बिफोर अप्रूविंग द लोन नीड्स टू प्रोवाइड अ डिटेल डॉक्यूमेंट नोन एज द की फैक्ट स्टेटमेंट, वेर इन इट विल प्रोवाइड विद ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द लोन, बी द इंटरेस्ट रेट्स दैट दे आर चार्जिंग, द एनुअल परसेंटेज रेट जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ था, एनुअल परसेंटेज रेट वो कितना है, वो आपको यहाँ पे की फैक्ट स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा। लास्ट इज प्रोवाइडिंग अ लॉक इन पीरियड, तो कई बार ऐसा होता है कि डिजिटल लेंडिंग जो है, सपोज अमेज़न का जो पे लेटर का लिमिट मुझे 25,000 का मिला है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ आई
I decide that I do not want this Amazon Pay Later facility and I want to opt out of it. So RBI ne ye mandate kiya hai that those customers who wants to opt out of any of these digital products should be provided with a lock-in period. Ek lock-in period provide karo so that those borrowers, those customers could exit from the digital loan without paying of any penalty. So ek lock-in period provide karo, be it 3 months, be it 2 months, so that customers jitne bhi unhone loan aaj tak ki date tak liya hai, wo pay kar pae aur fir usko koi penalty na dena pade. Theek hai? So without any penalty. So these are the major requirements that needs to be followed by the regulated entities as well as their LSPs in the new lending norms, in the new digital lending norms issued by RBI. So now we have certain questions based on the discussion that we had. So the first question talks about which of the following do not constitute a part of digital lenders. So RBI ne digital lending ko, digital lenders ko teen category mein categorize kiya hai. So which of these is not a part? Aapko iska answer batana hai in the comment section. The second question talks about that according to the new norms on digital lending that RBI has issued, all loan disbursals and repayments are required to be executed only between dash and dash. Ab dekho, aise questions exam mein bahut baar puche jaate hain. Theek hai? So these are important questions. Iske answers aapko provide karne hain comment section mein. So these are the options and you need to write down the answer. Now the last question for today is, as per the regulatory framework issued by RBI, any new digital lending products that is extended by the regulated entities is required to be reported to which of the following institution. Agar aapne ye nahi padha hoga, ab RBI tick karke aane ke bahut zyada chances hain. But now you need to answer me since we have discussed it in detail ki isme se kaun sa hai jisko aapko pehle report karna padega before introducing any digital lending product. So this was all for today guys. I hope you liked the session. In case of any doubt, you can always write it down in the comment section. I go through them and I'll provide you with the solution. Till then, keep learning. Bye-bye. Take care.